नमस्कार दोस्तों, आज LSG और दिल्ली कैपिटल के बीच चल रहे मैच के दौरान ऋषभ पंत का पूरे मैदान के सामने मजाक बन गया। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत ने मैदान पर कुछ ऐसी बेवकूफ़ी की जिसके कारण वो पूरे मैदान में शर्मसार हो गए। दरअसल दोस्तों, तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान शर्मा गेंदबाजी डाल रहे थे, तभी उनकी गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड चली गई, जिसके बाद ऋषभ पंत ने DRS का इस्तेमाल करते हुए थर्ड अंपायर की तरफ निर्णय को रिव्यू किया। इसके बाद तीसरे अंपायर का भी निर्णय वाइड आया। बाद ऋषभ पंत फील्ड अंपायर के साथ मैदान पर भिड़ गए और उन्होंने उनके साथ बहसबाजी शुरू कर दी। ऋषभ पंत का कहना था कि उन्होंने DRS नहीं लिया, लेकिन रिप्ले और इतने कैमरों के सामने ऋषभ पंत इतना साफ साफ झूठ बोल रहे थे कि जिसके बाद डगआउट में बैठे रिकी पोंटिंग और सौरव गांगुली भी ऋषभ पंत की इस बेवकूफ़ी पर काफ़ी गुस्सा नजर आए। वहीं ईशान शर्मा भी ऋषभ पंत से काफ़ी खफा नजर आए, क्योंकि उन्होंने DRS की मांग ही नहीं की थी। ऋषभ पंत अपनी कप्तानी के दौरान काफ़ी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, यही कारण है कि दिल्ली इस समय 10वें स्थान पर है। दोस्तों, ऋषभ पंत की इस बेवकूफ़ी पर आज आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवरों में 67 रन की स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए हैं। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।